नमस्कार दोस्तों, तो आज का हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी कक्षा सातवीं अध्याय आठ मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित रहेगी। दोस्तों, आप में से बहुत से प्रतियोगी वन्य जीवन एवं वनों के प्रति झुकाव रखते होंगे, हम खुद ही रखते हैं। आप में से बहुत से लोग राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों व वनों की यात्रा भी की होगी। दोस्तों, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें हमें हमेशा आकर्षित करती हैं, क्योंकि आप इन तस्वीरों में विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकते हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ लोग विश्व के शुष्क रेगिस्तानों में से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं, क्योंकि ये आपको अपनी अलग पहचान लिए हुए अलग ही दिखते हैं। वे देखने में भले ही अलग दिखते हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही होती हैं। उनके बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह ही खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर कभी समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना भी सीख जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अध्याय 8, 9 एवं 10 में हम विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं अमेजन बेसिन में जीवन के विषय में। दोस्तों, आप मानचित्र में देखिएगा कि अमेजन बेसिन उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय प्रदेश कहते हैं। क्या भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय प्रदेश कहते हैं? अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दीजिएगा कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर तक कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जैसे जब नदी सागर में मिलती है तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यदि कोई सहायक नदी अपनी मुख्य नदी से मिलती है तो वहां पर सहायक नदी का मुहाना बोला जाता है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। सहायक नदियां वे छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। दोस्तों, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की थी तब सिर पर सुरक्षा कवच या हेडवियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया था। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य की अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी थी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा था। यह नदी बेसिन ब्राजील के अधिकांश भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। आपको इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम अपनी नोटबुक में लिखकर रखना चाहिए जिनसे होकर इस महाद्वीप में भूमध्य रेखा गुजरती है। क्या जिनसे होकर इस महाद्वीप में भूमध्य रेखा गुजरती है? ठीक है, ओके। तो अब बात कर लेते हैं अमेजन बेसिन जलवायु की। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है।
तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी या किसी बिना संकेत के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। आगे जान लेते हैं यहाँ के वर्षा वनों के विषय में। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उगाते हैं। ये वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। क्या होता है, ये वन इतने सघन होते हैं कि इनकी पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ क्या पैदा होते हैं, आर्किड एवं ब्रोमिलाइड। ठीक है, ब्रोमिलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। ठीक है, टूकन गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षति या पंख वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं वे यहाँ पाए जाते हैं। क्या, टूकन गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षति या पंख वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं वे यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, इस्लाथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोहा कुछ ऐसी ही प्रजातियाँ हैं जो यहाँ पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जैव विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इस वर्षा वन के निवासियों के विषय में। यहाँ के लोग छोटे से छोटे क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसलें उगाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसलें उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएँ फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टोपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। किस कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का। याद रखिएगा, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिसके पोषक तत्व तो मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है, तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसाबा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफी मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं।
वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय हुआ करते थे, परंतु 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग के बन जाने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना अब संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैव विविधता वाले ये वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है, जैसे वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। ठीक है, तो आगे चर्चा कर लेते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन पर। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाकर आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। हमारा अध्यापन केवल NCERT पर ही आधारित है, अतः हम केवल विशुद्ध NCERT सामग्री के अनुसार ही अध्यापन करवा रहे हैं। इसमें इधर उधर की चीज़ें बिल्कुल नहीं जोड़ रहे हैं। यह बेसिन उपोष्णकटिबंध में 10° उत्तर से 30° उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से आप ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढ सकते हैं और उन्हें अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरपाद तथा सुंदर वन जैसे डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झीलें पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत के मानचित्र में देखकर उन राज्यों के नाम आप पता कर लीजिएगा जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फैला हुआ है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 या 1029 तथा बिहार का 1102 या 1102 है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाए जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प के नाम एकत्रित करें, उन्हें अपनी नोटबुक में लिखें, उन स्थानों का भी पता लगाएं जहाँ उनका निर्माण हुआ था या आज भी हो रहा है।
मैदानों के कुछ क्षेत्रों में केले के बगान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बगान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन करके सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर बेदगांव में फसलें उगाई जाती हैं। बेदगांव का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। यहाँ के विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है या देखी जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। क्या डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है? यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सुंदरबन में मैंग्रोव वन बहुत पाए जाते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश काफ़ी ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है, खासकर कहाँ? असम में। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिलसा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन है, आहार है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। कुछ मछुआरे लोग यहाँ उपस्थित चाप झीलों को साफ करके उनमें मछलियाँ पालते हैं। इन झीलों में उगने वाले स्थानीय खरपतवार, बेलिनेरिया, हाइड्रिल आदि मछलियों का भोजन बनते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। इसे आप याद रखिएगा। इन झीलों के आसपास की भूमि उपजाऊ है। लोग इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोते हैं। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। नदियों में मछली पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ठीक, बेसिन में यातायात की सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। क्या कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है? मैदानी क्षेत्र में कई बड़े बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं।
पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल यहाँ हैं। मानस वन्य प्राणी अभय वन में बाघ पाया जाता है। कहाँ? मानस वन्य प्राणी अभयारण्य में, अभय वन में बाघ पाया जाता है। ठीक है, तो अब बारी है प्रश्नोत्तरी की। ठीक, हमारा पहला प्रश्न है, उस महाद्वीप के नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। उस महाद्वीप के नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। इसे आप इस तरह भी समझें, उस महाद्वीप के नाम बताएं जहां अमेजन बेसिन स्थित है। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसलें उपजाते हैं? अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसलें उपजाते हैं? अगला, अमेजन के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? क्या अमेजन के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? अगला, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? अगला, टूकन क्या है? टूकन क्या है? अगला, मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? अगला, गंगा बेसिन पर 300 शब्दों में एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। क्या गंगा बेसिन पर 300 शब्दों में एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए? कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? अगला, देवदार एवं फर किस वनस्पति के प्रकार हैं? देवदार एवं फर किस वनस्पति के प्रकार हैं? अगला, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? अगला, निम्नलिखित पर संक्षिप्त जानकारी दीजिए। किस पर? वेदिका कृषि, रेशम कीट पालन, काजीरंगा अभयारण्य, गंगा के मैदान में मत्स्य पालन आदि। अगला, कारण बताइए, वर्षावन लुप्त हो रहे हैं। ठीक, कारण बताइए, वर्षावन क्यों लुप्त हो रहे हैं? अगला, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि क्यों अधिक होती है? ठीक, अगला, भारत के मानचित्र में दर्शाइए। क्या दर्शाना है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के उद्गम एवं मुहाने, दोनों की महत्वपूर्ण सहायक नदियां। ठीक, अगला, दक्षिण अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र पर भूमध्य रेखा खींचें। दक्षिण अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र पर भूमध्य रेखा खींचें। उन देशों को चिन्हित करें जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक, तो दोस्तों, आपका पाठ मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश समाप्त हुआ। हमारी श्रृंखला के प्रत्येक वीडियो नियमित प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय रेगिस्तान में जीवन के बेटियों के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त राही का नमस्कार। जय हिंद।